इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन महति शिकारी सुदर्शन उदय तीर्थ क्षेत्र आवा जिला टोंक राजस्थान। राजस्थान के टोंक जिले की पुण्य धरा आवा में स्थित है विश्व में सर्वाधिक 4 लाख की एनर्जी वाला चमत्कारिक तीर्थ श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन महाअतिशयकारी सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ससंग के सानिध्य में इस महाअतिशयकारी क्षेत्र का शिलान्यास सन 2000 में एवं प्रथम पंच कल्याणक 2008 और द्वितीय 2019 में सम्पन्न हुआ। लगभग 100 बीघा भूमि पर विस्तारित इस विशाल तीर्थ क्षेत्र में विराजमान है भारत की सबसे बड़ी देशी पाषाण निर्मित 16वें तीर्थंकर श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा, जिनके दर्शन मात्र से मिट जाते हैं सारे दुख। इस प्रांगण में विशाल समवशरण मंदिर, सहस्त्रकूट जिनालय, नंदीश्वर दीप मंदिर, कीर्ति स्तंभ एवं मान स्तंभ के साथ सुधा सागर पब्लिक स्कूल और आधुनिक धर्मशाला भोजनशाला भी स्थापित है। वर्तमान में तीर्थ पर 24 जिनालय, 30 24 जिनालय एवं भरत बाहुबली जिनालय आदि का निर्माण कार्य जारी है। आप सभी क्षेत्र पर संचालित योजना आजीवन श्री शांतिनाथ भक्तामर मंडल विधान एवं तीर्थ रक्षक सदस्य बनकर विधान एवं शांति धारा करने का अवसर प्राप्त करें। आपका सुदर्शनोदय क्षेत्र जो है वो क्षेत्र की तो माटी का ही अतिशय ऐसा है, वहाँ की भूमि का ऐसा है, और जिस भूमि पर बताते हैं कि यदि भूमि एनर्जिस्ट हो, उस भूमि पर यदि मूर्ति बैठ जाती है, साधु बैठ जाता है और श्रावक भी 1 मिनट को खड़ा हो जाता है, तो उसमें इतनी एनर्जी आती है कि वह संसार के छोटे मोटे विघ्नों को तो यूस पलायन कर जाते। माटी पर बैठने मात्र से, उस क्षेत्र पर जाने मात्र से, सुदर्शन देश के चतुर्मास के समय मैंने जगत को कहा था, ये क्षेत्र यहाँ भगवान के दर्शन में तो जो चमत्कार है वो तो बात का, इस क्षेत्र पर कदम रखते ही यदि 2 मिनट खड़े होकर के भी कायस्वर पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए ऐसी शक्ति एनर्जी मिल सकती है बहुत बड़ी, टॉनिक का काम करता है। पूरे राजस्थान में सबसे बड़ी प्रतिमा आज के युग की देसी पाषाण की सबसे पहले यदि कोई प्रतिष्ठित हुई है तो सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आमा में पहली बनी थी और उसकी पहली प्रतिष्ठा हुई। ये मूर्ति में इतनी ताकत है कि अब इस मूर्तियां जहां बैठेंगी, एक नहीं सैकड़ों मूर्तियां इससे बड़ी बड़ी भी बैठेंगी, ये चमत्कार इसी मूर्ति का है। पूरे विश्व में सर्वाधिक एनर्जी वाला तीर्थ क्षेत्र है, जिस तीर्थ क्षेत्र की एनर्जी पूरे विश्व के तीर्थ क्षेत्रों से अधिक है, ऐसी सर्वाधिक एनर्जी वाला तीर्थ क्षेत्र सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र। ऐसे अतिशय पर विराजमान मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान का त्रैकल्याणक महामहोत्सव, शांतिनाथ भगवान का जन्म तप एवं मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव इस सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र की माटी पर 5 जून 2024 को मनाने जा रहे हैं। इसे शांतिनाथ भगवान के, जिस शांतिनाथ भगवान से शांति धारा अविच्छिन्न रूप से चल रही है और धर्म भी अविच्छिन्न रूप से चल रहा है, ऐसे शांति धारा करने का सौभाग्य को पूज्य श्री सुधा सागर महाराज जी ने शांति धारा दिवस भी इस दिन को दिया है। इस अवसर पर हम सब यहाँ तीर्थ क्षेत्र में पधार कर अथवा ऑनलाइन के माध्यम से शांति धारा करवा कर अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, अपने घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ा सकते हैं। अगर आप मूल नायक भगवान का प्रथम अभिषेक 108 ऋद्धि मंत्रों से अभिषेक एवं व्रत सांधना करना चाहते हैं तो मात्र 51,000 रुपये की राशि से सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मूल नायक भगवान की शांति धारा की राशि मात्र 11,000 रुपये है। आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान की अभिषेक एवं शांतिधारा की राशि भी 11,000 रुपये है। अगर आप पांडुकशिला में विराजमान श्री शांतिनाथ भगवान की शांतिधारा करवाना चाहते हैं, उसकी राशि मात्र 5100 रुपये है। इस क्षेत्र पर अगर आप तीर्थ रक्षक बनना चाहते हैं तो उसकी राशि 1,00,000 रुपये है। आजीवन विधान के सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी राशि 51,000 रुपये है। 1 वर्ष की शांतिधारा करवाने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, 1,51,000 रुपये की राशि है। 1 माह की शांतिधारा की राशि 21,000 रुपये है। 1 दिन के विधान की राशि 5100 रुपये है एवं 1 दिन के आरती की राशि भी 5100 रुपये है। और भी कई योजनाएं हैं। जो महानुभाव इस सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र की योजना से जुड़ना चाहते हैं, टीवी पर चलाए गए नंबरों पर आप संपर्क करके अपनी योजना से जुड़ करके अपने जीवन को सुख शांति और समृद्धि में बना सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं
हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जिम जिम शिम शिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जलिन जने अवशिक्षामिते स्वाहा। ईम अरहम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जिम जिम शिम शिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते। ओम रीम क्रो मम पापम खंडय खंडय जहि जहि जह दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरहम जम जिम जिम छिम हम सम रहय सा छाम छिम छुम छिम छुम छम छम छ छिम ब्राम ब्रीम ब्रूम ब्रीम ब्रीम रूम ब्रम ब्रम र द्राम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते। ठठ अस्माकम मुनिपुंगव सुदासागर जी महाराज ससंग आरोग्यार्थम स्वास्थ्य लाभार्थम। आज के शांति धारा करता पुण्याजक परिवार श्रीमान रजत जी, द्रव्य जी, अक्षय जी, नूतन जी, स्वर्गीय श्री नरेश चंद्र जी की पुण्य स्मृति उपलक्ष्य गंगानगर मेरठ निवासना द्वितीय पांडुशिला शांति धारा पुण्याजक परिवार हर्ष जी, परवर जी, कार्यवार जी, परवणे जी, समस्त परिवार महाराष्ट्र निवासना द्वितीय पांडुशिला शांति धारा पुण्याजक परिवार भोपलकर परिवार, ध्रुवकर परिवार, दशयाने परिवार, मोहकर परिवार, लातूर महाराष्ट्र निवासना आज के तीर्थ रक्षक शांति धारा पुण्याजक परिवार श्रीमती शशि जी, सुदेश जी, सुभद्र जी, अर्चित जी जैन इंदौर निवासना आज के विधानकर्ता पुण्याजक परिवार श्री विद्याबाई जी, कपिल जी, मनीष जी, मनोज जी, संगीता जी, राची जी, मीना जी, विवेक जी, वैशाली जी, गरिमा जी, आदि जी, दिव्या जी, विया जी, हर्षा जी जैन समस्त परिवार दमोह निवासना द्वितीय विधानकर्ता पुण्याजक परिवार श्री राजेंद्र कुमार जी, सरिता जी, अनुज जी, तनुज जी, प्रियंका जी दिल्ली निवासना द्वितीय विधानकर्ता पुण्याजक परिवार श्री अजित जी, पवनलाल जी गांधी, चेतना जी बारामाती महाराष्ट्र निवासना उपस्थित समस्त भव्य जनानाम एक वर्ष के शांति धारा करता पुण्याजक परिवार श्रीमती स्वर्गीय नरेश जी, खुशबू जी, दामिनी जैन लुड़ादिया सब परिवार बांसवाड़ निवासना द्वितीय एक वर्ष के शांति धारा करता पुण्याजक परिवार श्री मोहन कुमार जी वड़गुद्र, रेखा जी, निकिता जी, रचिता जी, करण जी, श्रीमती शोभा नागरा सकरी सब परिवार कोल्हापुर बेंगलोर निवासना श्रीमती अनुभा जी के गर्भस्थ शिशु रक्षार्थम आदि भैया के शीघ्र अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभार्थम व्यापार लाभार्थम उपस्थित समस्त भवजना नाम सकल दिगंबर जैन समाज सुदर्शनवती क्षेत्र आवा। श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यार्थं सर्व विघ्न निवारणार्थं श्रीमत् सर्वज्ञ परमेष्ठी परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पद्म पद्म प्रसादात् सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शोषस्य परिशिष्य वर्गाः प्रसिदन्तु नः। ओम वृषभादयः श्री वर्धमान पर्यन्ता चतुर्विंशति अरन्तु भगवन्तः सर्वज्ञः परम मंगल नामधेया। अस्माकं इह मुत्र च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यः मुत्र च सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो हृदि भगवते श्रीमते श्रीमत्पाशुति शंकराय श्रीमदरत्नते रूपाय दिव्य तेजमूर्तये प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समवशण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोषहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक् ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयताय अनंत संसार चक्र परमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे भ्रतपणा मंडल मंडिताय ऋषियार का शावक शाविका प्रमुख शतः संगोपसर्ग विनाशनाय घातिकरम शंकराय अजराय अभवाय अस्माकम व्याधिम गिनंतो व्याधिम गिनंतो व्याधिम गिनंतो। श्रीजनाभिषेक पूजन प्रसादात अस्माकम सेवकानाम सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। अस्माकम समस्त शांति धारा कर्तारा शांति धारा श्रोतारा शांति धारा दस्तारा उपस्थित समस्त विभजनानाम आदि भैया के शीघ्र अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभार्थम सकल दिगंबर जैन समाज सुदर्शनवती क्षेत्र आवा। ओम ब्रीम श्रीं क्लीं ऐमर्मस्य हुसैन हद्विद्य शांति भगवान जिनेन्द्र। ओम रीमष्टभ्रातृहर मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामः। ओम रीमष्टभ्रातृहर मध्ये चमरद्वयं स्थापयामः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन महती शिकारी सुदर्शन उदय तीर्थ क्षेत्र आवा जिला टोंक राजस्थान।